हेलो दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक नई टेक्निक लेके। और आज की टेक्निक का नाम है FVT, यानी कि फोकस वाइब्रेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हम फोकस के वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं इन अ पर्टिकुलर स्पेस। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि मैं अपने इंजीनियरिंग के बाद में जब अपने घर पे जाता, अपने काम से जब भी छुट्टी मिलती, तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरी पढ़ाई की टेबल इन चेयर थी, जब भी मैं उस पर बैठता हूँ तो मुझे सडनली एक अर्ज डेवलप होती है कुछ ना कुछ पढ़ने की। उस टेबल और चेयर पे मैं लगभग 13 साल तक हर रोज़ पढ़ा हूँ और मैं कई घंटों तक उस पर पढ़ाई करता था। तो मैं जैसे ही उस टेबल चेयर पे जाके बैठता, मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि इवन मैं पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आ चुका था, मैं बेसिकली अजमेर से हूँ, तो हम कभी कभी ही वापस घर जाते थे छुट्टियों में। तो जब भी मैं जाता तो मैं रेगुलरली ये नोटिस करने लगा कि इस टेबल चेयर पे जब भी मैं बैठता हूँ तो ऐसा फीलिंग आता है कि कुछ पढ़ूं। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो सकता है, क्या इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या ट्रिगर है जो कि चल रहा है। तो फिर समझ में आया कि क्या ट्रिगर है, और इसीलिए ये टेक्निक बना दी और इस टेक्निक को कहा फोकस वाइब्रेशन टेक्निक। दोस्तों, हम किस वाइब्रेशन में है, किस स्पेस में है, वो स्पेस हमारी स्टेट को इफेक्ट करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, E=mc², एनीथिंग दैट हैज मैटर इट कंटेन्स एनर्जी, राइट। सो हर चीज एनर्जी है, यानी कि ये जो बोर्ड है ये भी एक प्रकार की एनर्जी है, मैं भी एक प्रकार की एनर्जी हूँ, जिस कैमरा से ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो वो भी एक एनर्जी है, मगर हम सब एक डिफरेंट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज में, इसलिए हमारे शेप एंड फॉर्म अलग अलग हैं। पर एक प्रकार की एनर्जी दूसरे एनर्जी फील्ड को प्रभावित करती हैं और हम रेगुलरली अपनी लाइफ में ये महसूस करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि कई लोग हैं जो जब उदास हो जाते हैं तो वो शॉपिंग मॉल जाते हैं, जैसे वो शॉपिंग मॉल जाते हैं उनकी स्टेट में चेंज होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो अच्छे शोरूम्स होते हैं, अच्छे शोरूम्स आपकी स्टेट को चेंज करना जानते हैं, आपके मूड को चेंज करना जानते हैं। और वो मूड चेंज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छे शोरूम्स के अंदर एक तो लाइट बहुत ही वाइट और ब्राइट लाइट होती है, जो रेगुलर लाइट जो हमारे घर में होती है उससे ज़्यादा ब्राइट लाइट वहाँ पर होती है, तो सब कुछ चमकता हुआ सा लगता है, आपका जो विजुअल सेंस है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि आप जो उदास थे या जो भी आप अपने विचारों में खोए हुए थे, वहाँ से हट के आपका ध्यान शोरूम पर आ जाता है, उसकी वाइट लाइट पर आ जाता है। अब हर अच्छे शोरूम के अंदर एक हल्का सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बैकग्राउंड में बज रहा होता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आपके फोकस को कितना प्रभावित करता है ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ। तो जब एक लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा है तो आपका जो थॉट डेंसिटी है वो रिड्यूस होने लगता है और आप शांत होने लगते हैं, यानी कि आपकी आंखें शोरूम में हैं, आपका मन शांत हो गया है, यानी कि आपका मन भी अब शोरूम में है। और अच्छे शोरूम एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, एक अच्छी स्मेल, एक अच्छा फ्रेशनर रखते हैं अपने शोरूम में। अब जब आप अच्छा स्मेल करते हो तो आपकी भूख जगती है। अब कपड़े आप खा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कैसी भूख जगती है, दैट यू वॉन्ट टू ओन इट, देर इज अ डिजायर टू ओन इट। इस वजह से इवन आप विंडो शॉपिंग के मूड से भी गए हैं तो आप अच्छे शोरूम्स में जाते हैं तो आपको यही फीलिंग आता है कि ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ। और इस वजह से कई लोग तो अपने बजट के बाहर जाके भी खरीद आते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज जो स्पेस है वो आपके सेंसेस के जरिए आपकी स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल मंदिरों में मिलता है। आप चाहे भगवान में मानते हो चाहे ना मानते हो, लेकिन अगर आप मंदिर में जाएंगे तो एक अच्छी पीस आपको महसूस होती है। मंदिर में भी यही तीन फैक्टर हैं। आप जाते ही बेल बजती है, बार बार बेल बजती है। वो जो बेल बजती है आपका ब्रेन उस बेल की फ्रिक्वेंसी को फॉलो करता है, उसमें डैम्पिंग एस्केलेशन होता है। डैम्पिंग मतलब पहला हाई नोट लगता है, फिर धीरे 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 डैम्प होती है, आपका माइंड उसी को फोकस उसी को फॉलो करता जाता है और आपका जो थॉट डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाता है। वहाँ पे जो खुशबू होती है वो फूलों की, नेचुरल फ्लावर्स की या धूप की, अगरबत्ती की, इस प्रकार की खुशबू में होती है। प्लस वहाँ पे जो लाइट होती है वो लाइट भी या तो प्रॉपर सनलाइट होगी या फिर शाम के टाइम पे आप पहुँचेंगे तो जो ज्योत प्रज्वलन हो रहा है उसकी लाइट होती है और उसका एक इफेक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है और आपकी जो स्टेट है, आपका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। सिमिलरली आप बीचेस पे जाइए, आप कैसे भी हों,
कितने भी दुखी हो आप बीच पे जाते हैं, यू फील वेरी गुड, यू फील काम एंड पीसफुल। एज अ राइटर कई बार हम लोग राइटर ब्लॉक हमारे को आ जाता है जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा होता आगे क्या लिखना है। तो कई बार आई लाइक टू गो टू गोवा, आई सिट ऑन बीच एट द मिड नाइट एंड वेव्स आर ऑस्किलेटिंग एंड ब्रीज इज देयर, तो वो जो हवा चल रही है उसकी स्मेल, मिट्टी का स्मेल इज देयर, वेव्स का साउंड इज देयर एंड अ ब्यूटिफुल विजुअल इज ऑल्सो देयर। तो ये चीजें आपकी स्टेट को प्रभावित करती हैं। सो दैट्स व्हाई आई कंक्लूडेड दैट कि मैं जब उस टेबल और चेयर पे रोज बैठ के पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रिगर सेट हो गया कि जब मैं इस लोकेशन पे हूँ तो मुझे एक फोकस्ड काम करना है। मेरा माइंड ये समझ गया, नेचुरली ट्रिगर हो गया कि व्हेन आई एम ऑन दिस प्लेस, आई एम इन दिस स्पेस, आई हैव टू बी फोकस्ड। वो नेचुरली फोकस के लिए ट्रिगर हो गया क्योंकि वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड एक्टिविटीज ही की। आप देखिए, आप अपने घर में जब आप पूजा रूम के अंदर हैं तो आपका वाइब्रेशन अलग होता है, आप अपने बेडरूम में हैं तो वाइब्रेशन अलग होता है, आपके खुद के घर में आप देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे अलग अलग स्पेस में जा रहे हैं आपको डिफरेंट फीलिंग आ रही है, पूरे घर का फीलिंग अलग है और पूजा रूम जहां पे आपने अपना कोई मंदिर या कुछ भी रखा हुआ है वहां पे आपको अलग फीलिंग आती है। सो दोस्तों, आपकी जो स्पेस होती है, आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको ट्रिगर करता है और आप अपने एनवायरनमेंट को कंडीशन कर सकते हैं, स्पेस को कंडीशन कर सकते हैं फोकस के लिए। तो यहाँ पे फोकस वाइब्रेशन टेक्निक काम में आएगी आपके फोकस को बिल्ड करने के लिए। और इसमें सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, फिक्स योर प्लेस। अपने पढ़ने की या उस फोकस एक्टिविटी की प्लेस को फिक्स कर दीजिए कि ये कोई रूम हो सकता है, ये कोई टेबल हो सकती है, उसको बिल्कुल फिक्स कर दीजिए कि मैं जो भी फोकस एक्टिविटी करूंगा इसी जगह पे बैठ के करूंगा। और ये निश्चित कर लीजिए कि उस जगह पे अब और कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है, यानी कि उस टेबल पे बैठ के, उस चेयर पे बैठ के आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, आप नॉवेल्स नहीं पढ़ सकते या कुछ भी एंटरटेनिंग या डिस्ट्रैक्टिंग काम करना अलाउड नहीं है। यू विल नेवर डू एनीथिंग डिस्ट्रैक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। आप उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड एक्टिविटी करेंगे। सो फर्स्ट इज फिक्स अप द प्लेस, प्लेस को फिक्स अप कर देना है। सेकंड, प्लेस फिक्स अप करके उसको डीक्लटर करना है, यानी कि जिस जगह पे आपने ये वाइब्रेशनल स्पेस बनाया है उस जगह पे कोई तो फोटोज नहीं होने चाहिए, दीवारों पे कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए जो डिस्ट्रैक्टिंग हो। आप जिस टेबल पे बैठेंगे, जो किताब आप पढ़ रहे हैं उसके अलावा या फिर उसके सपोर्टिंग मटेरियल के अलावा और कोई दूसरी चीज उस टेबल पे नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटली डीक्लटर्ड वो टेबल होनी चाहिए या फिर वो चेयर होनी चाहिए, या फिर अगर कोई रूम है आपके पास में तो वो रूम कंप्लीटली डीक्लटर्ड होना चाहिए। डीक्लटर्ड रूम होगा, जगह फिक्स होगी और रूल ये होगा कि उस पर्टिकुलर जगह पे आप कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे, वेदर यू आर टेकिंग अ ब्रेक और वट एवर यू आर डूइंग उस पर्टिकुलर रूम में या फिर उस पर्टिकुलर टेबल चेयर पे, यू विल नॉट डू एनीथिंग एल्स। और ये आपको कब तक करना है, एटलीस्ट 66 डेज तक इस रूल को फॉलो करना है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करेंगे, सिर्फ फोकस्ड एक्टिविटी के अलावा और कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करेंगे। फोकस्ड एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शन वाला कुछ भी नहीं करेंगे। वहां आप खाना नहीं खा सकते, मोबाइल पे बात नहीं कर सकते, वहां पे आप कोई नॉवल नहीं पढ़ सकते, इस प्रकार की चीजें जो शायद एंटरटेनमेंट के लिए आप करते हैं वो चीजें आप वहां पे नहीं करेंगे। विद इन 66 डेज मैंने ऐसा पाया है, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसा फीडबैक दिया है कि 30 डेज से 66 डेज के बीच में उन्हें काफी ये फीलिंग नेचुरल बनने लगती है कि जैसे ही अब वो उस टेबल या चेयर पे या उस रूम में घुसते हैं सडनली उनका स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे पूजा रूम में घुसने के बाद में होता है वैसे उनका स्टडी रूम में घुसते ही उनका स्टेट चेंज हो जाता है और वो स्टेट चेंज होते ही वो फोकस्ड होने लगते हैं और फोकस होकर के काम करने लगते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में एक और टेक्निक लेकर के, लेकिन आज से अभी से ही ये फोकस वाइब्रेशन बनाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में ये टेक्निक आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी एक नेचुरल फोकस अचीव करने के लिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।